किरण, अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो टूर्नामेंट की सबसे दो दमदार टीमें आपस में भिड़ रही हैं। अगर अभी पॉइंट्स टैली की बात करें तो नंबर वन और नंबर टू की टीम के बीच मुकाबला है, और अभी तक के जो विश्व कप के मुकाबले हैं किसी में भी बहुत ज्यादा मजा नहीं आया, तो कल के मुकाबले में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मजेदार मुकाबला हो, कड़ा मुकाबला देखने को मिले। बिल्कुल, और अगर आप ये कहें कि टीम इंडिया को टक्कर की टीम मिली है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वही टीम है चंदन जिसे हमने आईसीसी टूर्नामेंट में 2003 के बाद नहीं हराया, यानी 20 साल हो गए हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिस लय में टीम इंडिया दिख रही है उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी एज टीम इंडिया के पास जरूर है। और अगर आप जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि क्यों ये इवन कॉन्टेस्ट है, आप देखिए मैचअप देखिए, आप टॉप ऑर्डर इंडिया का देखिए, आप टॉप ऑर्डर न्यूजीलैंड का देखिए, अगर इंडिया के रोहित, विराट और शुभमन रन बना रहे हैं तो वहां पर कॉनवे, विलियंग और रचिन रविंद्र लगातार अच्छा खेल रहे हैं, आप सेंटनर हैं वहां पर, और उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट है और मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन, यानी अच्छा खासा टीम कॉम्बिनेशन सेट जो नजर आ रहा है जैसे टीम इंडिया का दिख रहा था वैसे न्यूजीलैंड का है। हाँ, टीम इंडिया के सामने मुश्किल जरूर आ गई है हार्दिक पांड्या के एब्सेंस में, और आज जब प्रैक्टिस सेशन था तब तो थोड़ी सी दो चिंता बढ़ाने वाली खबरें जरूर आई, जहां पर ईशान किशन को एक मधुमक्खी ने काटा, वो परेशान हो गए उसके बाद, और सूर्य कुमार यादव को रिस्ट में, राइट रिस्ट में कलाई में थोड़ी गेंद लग गई। हालांकि अभी तक जो हमारी बात हुई मैनेजमेंट में तो ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि, क्योंकि रिप्लेसमेंट आपको हार्दिक पांड्या का करना है, और राइट बैलेंस जो हमने देखा है अभी तक चारों मैचेस में टीम इंडिया के एकदम परफेक्ट बैलेंस नजर आ रहा था, तो यहाँ इस वक्त बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुकाबला इस टूर्नामेंट में अब तक का आप अगर आप कहें सबसे बड़ा मुकाबला तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सामने वो टीम है जो बड़े अंतर से, आप देखिए कितने बड़े अंतर से न्यूजीलैंड ने भी टीमों को हराया है, एक मैच 9 विकेट से जीता है, एक मैच 99 रन से जीता है, एक मैच 150 रन के करीब जीता है, तो बड़े अंतर वो भी वन साइडेड जीत करा रहे हैं, तो ये मैच जो पूरा टूर्नामेंट इंतजार कर रहा है एक क्रैकिंग मैच का, तो अनडाउटेडली हो सकता है। बिल्कुल कपिल, अब तक ये माना जा रहा था कि जो टीम इंडिया की 11 है ये बेस्ट 11 पिछले कुछ सालों की नहीं कहा जाए, पिछले कुछ की सबसे बेस्ट टीम दिख रही थी, बॉलिंग परफेक्ट थी, बैटिंग परफेक्ट दिख रही थी, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर भी था, लेकिन एक चोट और उसके बाद ये दो जो छोटे छोटे झटके हैं कहीं ना कहीं पूरा का जो तार है वो हिल गया नजर आता है। ऐसे में कल जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ईशान या फिर सूर्य कुमार यादव, हालांकि अब तो ये निर्भर करता है इस बात पर कि दोनों में से कौन अवेलेबल हो पाता है और गेंदबाजी में क्या होगा। देखिए, जो इस प्रैक्टिस सेशन से पहले तक ये था कि सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी ये दोनों खेलेंगे, हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है, वो नहीं होंगे, और इधर से शार्दुल ठाकुर नहीं खेलेंगे, शमी अंदर आ जाएंगे। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो कलाई में चोट है वो बहुत पेन में दिखाई दिए सूर्य कुमार यादव, चार पाँच मिनट ही उन्होंने बल्लेबाजी करी थी, उसके बाद उनको लग गई बॉल थ्रो डाउन के दौरान, और उसके बाद वो बैटिंग नहीं कर पाए, वो चले गए। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो आइस पैक दिया गया उससे फर्क पड़ जाएगा, अभी रात बाकी है, फिर 2 बजे तक का वक्त है, तो वो फिट हो जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अदरवाइज आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको ईशान किशन को ही खिलाना होगा, और कोई बल्लेबाज आपके पास है ही नहीं कल खिलाने के लिए, तो शार्दुल ठाकुर की जगह कल बनती नहीं है, अश्विन कल खेलेंगे नहीं मुझे लगता है, तो कुल मिलाकर यही दो रिप्लेसमेंट है कि आप सूर्य कुमार यादव को खिलाएंगे, वर्ल्ड कप का पहला मैच वो खेलेंगे, और मोहम्मद शमी को आप खिलाएंगे। इस सिचुएशन में उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। आप बुमराह लगातार कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, देखा है सिराज बढ़िया कर रहे हैं, आपको शमी यहाँ पर चाहिए अगर आपको न्यूजीलैंड को रोकना है, क्योंकि शमी के पास वो कलाकारी है, हम सब जानते हैं कौन सी अंदर आएगी कौन सी बाहर आएगी, ये बल्लेबाज नहीं समझ पाता है और उनको मैच मिला भी नहीं है, तो उनका खेलना बिल्कुल बनता है जी।